ये है दिल्ली दर्पण। बिग बॉस विजेता एलविश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने बीते दिन केस दर्ज किया है। एलविश पर सांपों के जहर से नशा कराने वाली पार्टी आयोजित कराने का आरोप है। इतना ही नहीं, उस पर सांपों की तस्करी का भी आरोप है। मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं मामले में एलविश यादव के शामिल होने की खबर वायरल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद मेनका गांधी ने एक बयान जारी कर रेव पार्टी भांडाफोड़ मामले में एलविश यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। वीडियो में मेनका गांधी ने खुलासा किया कि उनके एनजीओ के लोग एलविश यादव पर कुछ समय से नजर रख रहे थे, क्योंकि वह अपनी वीडियो में जहरीले सांपों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेनका गांधी ने इस बयान के सामने आने के बाद एलविश ने एक ट्वीट कर बताया कि मेनका गांधी को उन पर आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वह इसमें शामिल नहीं है। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है। वहीं अब हाल ही में एलविश यादव ने अपना नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मेनका गांधी पर बात की है। साथ ही ये भी बताया कि उन्हें इन सब में फंसाया जा रहा है। वीडियो में एलविश ने कहा, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मेनका गांधी जी ने मुझे सप्लायर का मुखिया बताया है। चैनल होंगे 1000 न्यूज चैनल, उनको मिनट से पहले एक ऐसे आग की तरह फैलती है। देश में 1000 मुद्दे हैं, मेरे से भी इम्पोर्टेंट, मैं तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, कोई मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ऐसी बनाई हुई छोटी मोटी चीज है मेनका गांधी की तरफ से, कि चलो लाइमलाइट आ जाती है, वाओ ऐसे लाइमलाइट ले लेंगे, वाओ ले लो लाइमलाइट ले लो। ऐसे नहीं मिलती लोकसभा की टिकट, वैसे भी कोई नहीं पूछता आपको, जब पूछेंगे तब की तब देखेंगे, बट अभी नहीं चल रहा वो वाला टाइम पूछने वाला। तो मेरे से वो वाला क्लाउट मतलब बहुत सारे लोग आ रहे लेने के लिए, बड़े बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, संजय राउत आ रहा, अलग अलग पार्टीज के, मैं जानता भी नहीं ऐसे ऐसे लोगों को भाई। एक मानहानि का केस आएगा और ऐसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, हल्के में तो छोड़ता ही नहीं मैं। अब मैं हो गया हूँ इन चीजों में एक्टिव। पहले मैं सोचता था कि टाइम बर्बाद नहीं करता, लेकिन जब इमेज खराब होती है ना, गंदी वाली, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। बता दें, नोएडा पुलिस की एफआईआर के मुताबिक एलविश यादव की रेव पार्टी में विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था। इस मामले में एलविश यादव समेत 6 नामजद और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये नोएडा के थाना सेक्टर 39 का मामला है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर एलविश यादव सहित 6 व्यक्तियों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 51 स्थित बैंकेट हॉल में पार्टी करने और सांपों का जहर उपलब्ध कराने के संबंध में एफआईआर दर्ज करते हुए बैंकेट हॉल से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं बीते दिन राजस्थान के कोटा में एलविश को नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया, हालांकि पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।